थर्ड थिंग इज स्टूडेंट्स हु आर रिवाइजिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स रेगुलरली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स को रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं देखो आपका ब्रेन कोई कंप्यूटर तो है नहीं एक बार पढ़ लिया वो हमेशा याद रहेगा याद नहीं रहेगा और थ्योरी में कॉन्फिडेंस यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इन थ्योरी ओनली एंड ओनली इफ यू आर रिवाइजिंग थ्योरी सो यू हैव टू मेक एटलीस्ट थ्री टू फोर रिविजन ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट्स वो बच्चे क्लियर होने वाले हैं जो कम से कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को दो बार लिख रहे हैं पीपल हु आर राइटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग इट ट्वाइस इन राइटिंग जो लिख के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को दो बार ट्राई कर रहे हैं कम से कम लिखने की और अगर हर क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो उसको आप कम से कम दो बार लिखने की ट्राई कर रहे हो सो एंड द लास्ट वन इज स्टूडेंट्स हु ट्राइंग टू अचीव द डेली टारगेट्स एवरी डे जो बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं पीपल टेबल जिनके एक महीना का टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ है और हर दिन की डेली टारगेट जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं दोज आर द स्टूडेंट्स हु विल क्लियर इन दीज नवेंबर ट्वेंटी टू एग्जाम्स ट्रस्ट मी अगर आपको वो बच्चा बनना है जिसे एग्जाम क्लियर करने हैं तो प्लीज जो चीजें मैंने आपको बताई है उसे फॉलो कीजिए दीज आर दी थिंग्स ये वही चीजें हैं जिनसे यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स तो अगर आपको पता है आज कि किन चीजों से आप क्लियर कर सकते हो सो वाई नॉट डू देम जी जान लगा दो यार, आग लगा दो दो यार यार आग जी जान से पहन मेहनत करो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम ये जो सोशल मीडिया है जिसपे आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ये दो महीने बाद भी इट्स गोइंग टू बी द सेम But this opportunity will not come back. So give in your best. Give in all what you have. Go all out. Put your best foot forward. Because this result is going to be the biggest achievement of your life. So go for it.